देखिए मैं सुजाता की मिक्सी में आज आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने घर के गर्म मसाले पीस सकते हैं और कितनी बढ़िया तरीके से ये सब मसाले तैयार हो जाएंगे। ये देखिए सुजाता की मिक्सी है, ये इसका ग्राइंडर जार है, दिखाई दे रहा है आपको ग्राइंडर जार। अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं कि किस तरह से हमने क्या क्या पीसना है। शुरुआत करेंगे हम गर्म मसाले से, उसके बाद हम चलेंगे धनिया पे और धनिया के बाद हम लाल मिर्च सूखी पीसेंगे। और हमारे पास अभी हल्दी भी है, हल्दी नहीं है आज हमारे पास, लेकिन अभी हम इन सब चीज़ों को पीस के आपको दिखाएंगे कितने बढ़िया तरीके से मसालों को पीसते हैं हमारी सुजाता की मिक्सर ग्राइंड जूसर मिक्सर ग्राइंडर। ये मेरा मॉडल है पावरमेटिक प्लस, देखिएगा। देखिए मुश्किल से 15 सेकंड भी नहीं हुए होंगे और ये गरम मसाला तैयार है, घर का होममेड गरम मसाला। वापस उसी को देखिए, हम धनिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा हाथ से कर दे, टाइम कितना देर है देखिए घड़ी में, एक बार मोबाइल दे रही है। सेकंड से भी कम टाइम लगा जिसमें कि मैंने धनिया कर लिया। देखिए ये देखिए अब हम लाल मिर्च को पीसेंगे, सूखी लाल मिर्च दिख रही है आपको, देखिए कितनी ताजी एकदम, ओ कितनी सूखी है लाल मिर्च आपकी। Thank you.
देखिए लाल मिर्च हमारी पिस गई और ये हमारा डब्बा भर गया। इसके साथ ही हमारे मसाले काफ़ी पिस गए। ये कुछ लाल मिर्च है जो हम बाद में अगले बार पीसेंगे। अभी जितना हमारे डब्बे में आ सकते हैं उतनी हमने पीस ली। अब आप अपने कमेंट्स हमारे को जरूर लिख के भेजिएगा कि आपको ये सुजाता का मिक्सर जूसर मिक्सर ग्राइंडर का वर्किंग कैसी लगी। और जी क्या था, देखिए घर के मसाले लाल मिर्च धनिया गरम मसाला और इनके बाद हमारे घर की सेहत भी बरकरार बढ़िया रहती है क्योंकि किसी तरह का मिलावट का आपको ऐसा नहीं रहता कि आपने कोई मिला हुआ धनिया किसी बुरादा मिला हुआ धनिया खाया या गरम मसाले में पता नहीं क्या मिलाया, लाल मिर्च की जगह कुछ और तो नहीं कहीं रंग मिला दिया। इसलिए घर के पीछे मसालों के साथ आप खाना बनाएं, स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य ठीक रखें। इसी के साथ नमस्कार। सुजाता के साथ आप हमारा दिन आपका कैसा रहा बताइएगा।